इधर ढाई ढाई साल के फॉर्मूले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पहली बार खुलकर बातचीत की है। सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी ने कभी भी ढाई ढाई साल की बात नहीं कही है, ये अटकलें सिर्फ मीडिया ही लगाती रही है। सिंहदेव ने साथ ही में ये भी कहा कि कांग्रेस में हाईकमान तय करता है कि किसको क्या करना है। ढाई साल की बात तो पार्टी ने कभी भी नहीं कही, ये मीडिया में लगातार बात आती रही और मीडिया में एक स्पेकुलेशन था कि क्या जब मुख्यमंत्री पहले चयन किए गए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला था, और वो जो मीडिया ने उस दिन इस बात को उठाया वो आज तक चलता आ रहा है। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि ढाई साल का कोई फॉर्मूला था या इस प्रकार की कोई बात है, और पार्टी में काम किसको क्या करना ये हाईकमांड तय करते हैं सबसे कंसल्टेशन के बाद, और वो जिम्मेदारियां हम लोग निभाते हैं। इधर राजधानी भोपाल से खबर मिल रही है जहां सीएम का फोकस अब मध्य प्रदेश में एक बड़े निवेश पर है, जिसके चलते आज सीएम उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। बता दें शाम 6:30 बजे सीएम हाउस में यह अहम चर्चा होगी, जिसमें मध्य प्रदेश में निवेश आने से रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे इस पर चर्चा होगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का फोकस एक बड़े निवेश का है जो प्रदेश में हो, और इसी सिलसिले में आज उद्योगपतियों के साथ वे मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। शाम 6:30 बजे सीएम हाउस में ये अहम बैठक